राजस्थान सरकार के शिक्षा सेवक गोविंद सिंह डोटासरा की विवादित बयान के बाद भाजपा विरोध में उतर गई। इसी कड़ी में विजयादशमी के पर्व पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से प्रदेश भर में सेवक डोटासरा का पुतला फूंका गया। उदयपुर में भी आज महिला मोर्चा ने सुरेशपुर चौराहे पर मंत्री का पुतला फूंका। महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सेवक डोटासरा ने बालिका विद्यालय में कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के बारे में विवादित बयान दिया। इससे प्रदेश भर में महिलाओं में भारी आक्रोश है। इसी को लेकर विजयादशमी पर सेवक डोटासरा के पुतले पर रावण के 10 चेहरे लगाकर उसे फूंका गया। गहलोत सरकार का कि जो कि कभी जिसके अंदर तमीज ही नहीं है कि महिलाओं को किस प्रकार सुरक्षा दे सकते हैं, और महिला जाके हम कहते हैं जहाँ यत्र नारस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता, और ऐसा ये मंत्री गहलोत सरकार का कि जो बाल शिक्षा दिवस के कार्यक्रम में जाता है और वहाँ पर बोलता है कि महिलाएं जिस क्षेत्र के अंदर जाती है जहाँ पर काम करती है वहाँ पर झगड़ा होता है। मैं कहना चाहती हूँ डोटासरा से, और उसकी बुद्धि पर तरस आती है मुझे कि महिलाएं जिस क्षेत्र में काम कर रही है हर क्षेत्र के अंदर वो सफल हो रही है, लेकिन डोटासरा के इस बयान से भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा आज उदयपुर शहर जिला की कविता जोशी के नेतृत्व में हम ये मांग करते हैं कि डोटासरा अगर हम शब्दों को वापस ले नहीं ले तो हमारी महिला मोर्चा पूरे राजस्थान के अंदर धरना प्रदर्शन करेगी। और कलेक्टर को हम ये कहना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं कि डोटासरा को जाकर ये बताएं और हमारा ज्ञापन उसको स्वीकार करें, नहीं तो हमारी महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी गोल शब्दों में उसकी निंदा करती है। उनकी एक अध्यक्ष राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री आदरणीय डोटासरा जी ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के कार्यक्रम में गए, वहां पर विवादित महिलाओं के खिलाफ विवादित बयान दिया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया इसलिए जाता है कि बालिकाओं को जागरूक किया जाए, उनको सशक्त बनाया जा सके। डोटासरा जी आदरणीय वहाँ पर पहुँचे और वहाँ जा महिलाओं को सशक्त करने की बजाय उनको मोटिवेट करने की बजाय उन्होंने डीमोटिवेट किया। उनके कहने का तात्पर्य ये था कि महिलाएं जिस क्षेत्र में भी जाती है वहाँ पर एक ही कारण होता है लड़े झगड़े का, मात्र वो है महिलाएं। डोटासरा जी को मैं बता दूं कि अंतरिक्ष में भी महिलाएं जा चुकी है। अभी हाल ही में टोक्यो में जो भी ओलंपिक हुए उसमें भी रजत पदक और गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। डोटासरा जी बोल रहे हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में हर फील्ड में पुरुषों के समान कार्य कर रही है। हम पुरुषों के लिए कोई भी विवादित बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। पुरुष अपनी जिम्मेदारी हर फील्ड में निभा रहा है, पर महिलाएं किसी से भी कम नहीं है। ये वही डोटासरा है, ये वही शिक्षा मंत्री है जिन्होंने RS के भर्ती के अंदर अपने परिवार वालों को लगाया, और वो भूल रहे हैं कि उस परिवार के अंदर एक जिन्होंने लगाया है वो एक महिला ही है। इसका मतलब झगड़ा उन्होंने ही बढ़ाया है। और ये वही डोटासरा है जो रीट के पेपर उनके नेतृत्व में लीक हुए हैं। हम यहाँ पर डोटासरा जी का यहाँ सारी महिला मोर्चा के द्वारा आज विजयादशमी के पर्व पर जैसे रावण को बुराई का प्रतीक मानकर जलाया जा रहा है, वैसे ही डोटासरा जी के पुतले को हम यहाँ पर रावण का रूप मानते हुए हमारी प्रदेशाध्यक्ष अलका जी मुंद्रा के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश के अंदर ये पुतला जलाया जा रहा है। और यहाँ पे हम सभी महिला मोर्चा की बहनें एकत्रित हुए उनका पुतला जलाने के लिए। और मुख्यमंत्री जी को हम कह रहे हैं कि ऐसे जो डोटासरा जी जो मंत्री हैं, जो कहने का उनको बिल्कुल लिहाज नहीं है, जो अपने भाषण में भी महिलाओं का सम्मान नहीं दे सकते हैं, तो फिर महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचारों को कैसे रोकेंगे? उनको इस पद से हटाया जाए, और उनके पास यदि कोई मंत्री पद के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं है तो इस पद को खाली छोड़ा जाए।